लैलुंगा में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और एकलव्य इंस्टीट्यूट महाविद्यालय की शुरुआत हुई। इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में क्षेत्र के युवा युवतियों के लिए DCA, PGDCA, टेली कोर्सेज के अलावा ग्राफिक्स डिजाइनिंग जैसे कोर्स लॉन्च किए गए हैं। इन कोर्स को करने से लोगों को रोजगार के लिए अब अवसर प्राप्त होंगे। बता दें कि क्षेत्र विधायक चक्रधर सिदार ने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से CM भूपेश बघेल से विशेष चर्चा की, साथ ही 3 लाख रुपए की अनुदान राशि देते हुए इंस्टीट्यूट में कोर्स की शुरुआत की। टीचर हूँ और मैं यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें बच्चों को क्लासेस देती हूँ। सर, हमारे यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि PGDCA, DCA, ADCA, BCA, ग्राफिक्स एक्सपर्ट। इसमें जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, इसमें हम सभी बच्चे को हर एक क्षेत्र के लिए पूरा परफेक्ट बनाते हैं, ताकि जब भी वो किसी इंटरव्यू के लिए जाएं और इतना रेडी कर देते हैं कि डेफिनेटली हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएगा वो सेलेक्ट हो पाए। सर, मेरा नाम आशीष कुमार है। एकलव्य समिति पे मैं अध्यक्ष पद पर हूँ और हम अभी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और एकलव्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाविद्यालय का इस क्षेत्र में संचालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो DCA, PGDCA, टैली और अभी हाल ही में हमने ग्राफिक डिजाइन इस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे इस क्षेत्र में ग्राफिकल डिजाइन में लोग कोर्स नहीं कर पा रहे, तो एक ऐसा ओरिएंटेड प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया जिससे यहाँ के लोग को रोजगार मिले, इसलिए हमने अभी ग्राफिक डिजाइन की भी शुरुआत की। टीचर हूँ और मैं यहाँ